सेक्रेटेरिएट में खड़े हैं, जहाँ पर डीसी का ऑफिस भी है, पुलिस कमिश्नर का ऑफिस है और उसके बाद जुडिशियल कम्प्लेक्स भी जहाँ पर है। तो अभी थोड़ी देर पहले यहाँ ब्लास्ट हुआ है, बम ब्लास्ट। इस समय हम लुधियाना शहर में खड़े हैं और ये जुडिशियल कम्प्लेक्स के साथ ही डिप्टी कमिश्नर का ऑफिस है और साथ ही पुलिस कमिश्नर का ऑफिस है। थोड़ी देर पहले यहाँ पर बम ब्लास्ट हुआ और ये किसान जो जहाँ आंदोलन कर रहे थे, धरना लगा रहे थे, आज इनका शायद दूसरा किन्नवा दिन आज और देखिए पता नहीं इनको, देखिए धरने के लिए तो आ जाते हैं लोग लेकिन पता नहीं होता है, तो पूछ लेते हैं किसी से। और ये आज जो धरना जहाँ चल रहा था उधर ये यहाँ इकट्ठी होने शुरू हो चुकी है और बम ब्लास्ट के बाद किसान भी सोच में पड़ गए हैं। हाँ जी, हम तो सही अपना धरना जो है हम अपना इतों खत्म करोगे जो बैठे हुए जी, बहुत बड़ा हादसा हो। असी साड़ी जथेबंदी भारतीय किसान यूनियन एकता उग्राह वालों असी इस जो ये बम ब्लास्ट होया उहदी घोर निंदिया करते हैं। बहुत वो लोगों की जिहड़ी मानवता दे उत्ते हमला वा, असी उन्हां लोगों का नक्शा उन्हां लोगों नूं असी उन्हां दी घोर निंदिया करते हैं। तो असी इस करके साड़ी जथेबंदी उग्राह वालों असी डीसी कॉम्पलैक्स के जिहड़े बाहर बैठे सी, अज्ज दी असी स्टेज मुलतवी की आ जिहड़ी साड़ी 3:30 बजे तक चलती आ, तो साडा कलू बकायदा असी दुबारा चलावांगे। अज्ज उन्हां नूं असी 2 मिनट का मौन करके धार के जिहड़े बेचारे इहदे विच मौत हो गए ने, डैथ हो गई आ उन्हां दे करके, असी अजे तां असी अपनियां जो अज्ज सवेरे साड़ी पंजाब सरकार नाल मीटिंग हुई है जिहड़ियां मंगां नूं लै के असी बैठे हाँ वो तकरीबन लगभग साड़ियां 7 मंगां मन्नियां जा चुकियां ने, 9 दे विचों जो सब लगभग नेड़े लग चुकी आ। तो असी हुण जिवें सानूं स्टेट कमेटी का फैसला आऊगा उन्हूं असी लागू रखांगे, कल नूं असी बकायदा ओकन स्टेज चलावांगे जो अगे असीं चलाउने आ। देखिए अज ये मुअत्तल कर रहे हैं क्योंकि जा रहे हैं, क्योंकि अभी पुलिस छानबीन करेगी। तो देखिए आज अभी यहाँ से ये सब किसान जो जथेबंदियाँ जहाँ पर आए थे है जहीं पर, और देखिए जो दरिया वगैरह जो इकट्ठी कर रही है, क्योंकि पुलिस प्रशासन ने अपनी जो इंक्वायरी वगैरह करनी है, छानबीन करनी है। और ये देखिए यहाँ पर इस समय तो यहाँ पर सब दरिया वगैरह जो इकट्ठी कर ली है उन्होंने, क्योंकि यहाँ पर 3 बजे तक बैठते हैं, 4 बजे तक बैठते हैं 3 बजे तक अभी 3 बजे से बैठ 3:30 बजे तक बैठते हैं, लेकिन आज इनको जल्दी 2-3 घंटे पहले उठना पड़ गया। तो कल को कहते फिर हम आएंगे। देखिए यहाँ पर अभी और दिखा देते हैं जो टालियों में आए थे लोग, तो देखिए ये सभी लोग किसान जितने भी यहाँ पर आए हुए हैं और ये, और देखिए यहाँ पर इस समय हम लुधियाना शहर में हैं और यहाँ से जो किसान ये टेम्पो भी लगाओ ये जा रहे हैं सभी, ये सब बुजुर्ग लोग सीनियर सिटीजन अपने अपने गांव को लौट रहे हैं। आप गांव की चौपाटी पे जाकर वहां बैठना, वहां बातें करना, गांव में जाके वहां बताना कि जब बम ब्लास्ट हुआ तो हम डीसी के दफ्तर में ही थे और आज हम जहां पर आप गाँव की जाकर बातें बताओ सारी जाके। अब जो चलेगा बुजुर्ग अब गाँव में जाकर बैठेंगे जहाँ पर बोर्ड लगा होता है, तो वहाँ पर बैठ के ये बातें करेंगे जाकर कि हम भी वहीं थे जब जब बम ब्लास्ट हुआ, आज हमने ये मुअत्तल कर दिया, हम जल्दी वापस लौट आए हैं। और देखिए ये इनका बीच में सामान रहता है, ये सोने का इंतजाम बीच में ही इनका, ये दिल्ली भी गए थे, दिल्ली से तो वापस आ गए, अब उन्होंने सोचा अब लुधियाना शहर में चलेगा सब। और ये खाने पीने का सामान भी है, रोटी रोटी तो लंगर ख़त्म हो गया, ये हैगा चलो देखिए लंगर भी ख़त्म हो गया और जो लंगर छकने वाले थे वो भी अब घरों को जा रहे हैं, कल को फिर आएंगे। हाँ जी भाई धन्यवाद। वो देखिए जहाँ पर जो लुधियाना के डिप्टी कमिश्नर का ऑफिस है जहाँ पर किसान धरने से बैठे थे, धरने पर बैठे 2 दिन से, अभी 2-3 दिन धरने और इन्होंने लगाने थे, कहते हमारी 7 मांगे तो मान ली हैं सरकार ने और बाकी जो मांगे हैं शायद वो भी पूरी हो जाएंगी। लेकिन आज जो इसी कम्प्लेक्स जो मिनी सेक्रेटरीट बोलते हैं इसको जहाँ पर बम ब्लास्ट हुआ है, तो उसके कारण ये जो आज का प्रोग्राम इन्होंने स्थगित कर दिया है, कैंसिल कर दिया है। तो सभी किसान अपने अपने घरों को लौट जाएंगे। अब देखिए ये लुधियाना शहर है, लुधियाना शहर के वो डिप्टी कमिश्नर का दफ्तर है और देखिए यहाँ पर ये सब लोग किसान अब अपने अपने घरों को जा रहे हैं। और देखिए इधर ये सब किसान आयो लूट चले, अब चलो घर चले आज। नहीं जी नहीं। हाँ जी ये तो बम ब्लास्ट करके मतलब अद्धा धरना खांदे जाना नहीं है। अच्छा रहना इतने आज मोर्चा पक्के जाना नहीं है, ये रहो के थे यानी के तो उठे हो उधर उस करके उठे, अभी वो साडे ही भरा थे वो भी जेड़े शहीद होए आ उस करके उठे हैं जाना नहीं है। चंगा लगता है बैठना। हां जी हां जी धरना साडा जारी रहेगा जब तक सूबा कमेटी नहीं उठांदे बदल के साडे।
तो देखिए कहते धरना जारी रहेगा जब तक हमारी मांगे नहीं मानी जाती, तो उधर लगाओ बाहर को लगाओ। और देखिए हम चलते हैं बाहर को चलते हैं, और देखिए ये भी ट्रालियाँ जहाँ की खड़ी हैं, बहुत ट्रालियाँ जहाँ खड़ी हैं सभी किसानों की, वो देखिए ये सब खाना पीना सामान साथ ही लेकर आते हैं, तो उनसे पूछते हैं, वो सामने को भाई साहब खड़े हैं। हाँ जी, हाँ जी भैया जी, चले जाओ, बैठे हो गए थे, बैठो गए, ट्रालियाँ बैठो गए, हाँ ट्रालियाँ बैठा गए, ठीक है। धरना चक्के मतलब भी चक्या नहीं है, अज कोर्ट से जरा बम ब्लास्ट होया वो सो करके अज जी चलती सी स्टेज की कार्रवाई वो बंद की है, उस सोग दे रूप। चलो सोग करके भी अभी दुख इनको भी हुआ है, जो लोग मौत जिनकी हुई है बहुत माड़ा हुआ है, तो ये किसान अभी जहाँ डटे रहेंगे, क्योंकि इनकी अपनी मांगे हैं, इनका अपने जो मुद्दे हैं, तो उन्हीं के लिए इन्होंने यहाँ पर ये जो लगा रखा है धरना वगैरह, तो थोड़ा सा आगे चल के हम भी कहेंगे कि ये जो अभी हमने आपको दिखाया ये लुधियाना शहर में किसान का जो धरना था बम ब्लास्ट के कारण आज कैंसल हो गया। आगे की चल हम दिखाते हैं, जो देखते हैं चैनल सब्सक्राइब कर दीजिए, पहले बोलना चाहिए, मैं बाद में बोलता हूँ, बाद में तो शायद देखता नहीं हट तक वीडियो। चलो कोई बात नहीं, इस तरफ लगाना अब मैं, अब चाय का चल रहा है, चाय वगैरह और किचन भी साथ ही है, और किचन भी है जी, बीच में बिस्तर वगैरह भी है, पूरा बंदोबस्त है, दिल्ली से आए हैं सब लोग, अब लुधियाना में डेरा डाल लिया उन्होंने, दूध भी है, चाय भी है, और सिलेंडर वगैरह सारा सामान है इनके पास, जहाँ बैठ के वहीं धरना है। चाय मिला है, अच्छा अच्छा, आप भी साथ ही हैं जब वैसे चाय पीने के लिए रुके? हम तो अपने काम हम साथ में अपने, चलो ठीक है, चाय ब्लास्ट हो गया बस इसी में, ब्लास्ट में उलझ के इधर आ गए, चलो ठीक है, चले कुछ ना कुछ चाय तो मिल ही जाता है। आयो चलो, बाजी बस, बाजी बस, धन्यवाद, वाह वाह बलकार जी, इतने जाके आए हूं। हां जी वो, हां किना का नुकसान है, देखो तीन बंदे तक कंधे तेरी हो, जिन्नी माड़ी कह रही होती थोड़े माड़ा शब्द भी अपने आप ते इधर ही छोटा है। हां जी हां जी, इंसानियत दा कहना है। हां जी हां जी, एही जी की प्राप्ति कर लेंगे जे इस तरह दे ब्लास्ट करने हैं, पता तो लगे ना भी ओदे च कोई इंसानियत दा कोई माड़ा मोटा जज्बा होवे ते बंदे दी जान लेनी, मुड़ के बंदे ने जन्म नहीं लेना, ते उस तो बाद कहवे मैं राज करना है, मैं भाग भोगने है, मैनू सारा कुछ आउंदा ते लख लाण ते इह जी राज भाग दे, बिल्कुल बिल्कुल, इह बा कहदा इह शरारती बंदे निगरी सोच वाले सियासतदान कराउंदे हुंदे आ, बिल्कुल बिल्कुल, आम लोकां नूं कोई पता नहीं, जिहड़े मरे आ कोई पता नहीं किहड़े मजहब दे, गरीब दे चले ना जी, गरीब दे कम करदे, लड़कियां फोटोस्टैट वालियां उत्थे बैठियां बच्चा कोले ने, ओह बेचारियां जख्मी बुरे हाल बैंके दिहाड़ा की कहणे, साडी धी भैण घरे शाम नूं पहुंचूगी, हैं ओह तां लाशां बन के किते होर तुर गईआं, की करिआ जावे, हैं जिन्नी इहदी निंदिआ कीती जावे ना ओनी थोड़ी है, तो पॉलिटिशियनां नूं इहनूं ना अच्छी तरह समझ की कोशिश करनी चाहिए है, ये ना सोचन भी असी जी वोटा आनगियां तो वोटा लवेंगे, कदे बे नहीं कदे बेअदबी तो कदे बम ब्लास्ट करके लोगों नूं किहड़े लोक राज दा सुनेहा देना चाहते हैं, बिल्कुल, तो मैं चाहना भी लोग नागरिक का जिहड़े जागण ते एह जिहियां करतूतां नूं इह मूँह तोड़वा जवाब देण, देखो सोच बदलेगा तो समाज बदलेगा। बलकौर जी धन्यवाद।